नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है अनरियल बैंकर में। मैं अमित कृष्णा, कैमरामैन रवि के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत दिन हो गए, दिवाली की छुट्टियाँ थी, अभी छठ की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हमारा कोर्स चल रहा है बिना किसी रुकावट के। तो आपके बहुत सारे सवाल हैं, आप बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर सवाल का जवाब देना कमेंट लिख कर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कम टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम वीडियो बनाने के बाद, इसीलिए मैक्सिमम टाइम आपको रॉ वीडियोस मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे ही दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर किया था, और उनको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है इस सब के बारे में। जतिन है उनका नाम, और वो आपको बताएंगे इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, कि कैसे क्या होता है, और आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप इंटरव्यू के टाइम आप जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आप बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकोगे। तो अब ओवर टू जतिन। थैंक यू अमित, आपने बहुत अच्छा बताया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जतिन एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे ही हूँ, ABYP का एग्ज़ाम क्रैक करके ही आया हूँ। तो मैं चाहता था जो भी स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपको मेल आ गई होगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको धीरे धीरे मेल आनी स्टार्ट हो गई होगी इंटरव्यू की भी, इंटरव्यू लेवल की भी मेल आ गई होगी स्टार्ट। तो जहाँ तक हमारे पास ईमेल्स आई हैं, बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है, 7 तारीख को इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है उससे पहले भी हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास रो डाटा आया है, मेल्स आई हैं, उसके अकॉर्डिंग 7 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हैं बच्चों के। 7 तारीख को, 8 को, 9 को, 10 को इंटरव्यूज़ हैं। तो उसके बाद क्या है कि अब देखो, इंटरव्यू तो है, अब इंटरव्यू क्या हो रहा है इसमें, हम जैसे कि एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, सामने पर्सन बैठे होते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो आपको चेक करेगी। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे आपको जज किया जाता है, किस किस पैरामीटर में आपको जज किया जाता है। मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम क्या करें कि हम अच्छा कर पाएँ, हम सेलेक्ट हो जाएँ, हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें नहीं करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको थोड़े से करने वाले पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे ही आपको इंटरव्यू शेड्यूल आपको मिल गया है, तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाए, बट पैनिक ना हो। आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, जो फर्स्ट पैरामीटर होगा आपकी चेकिंग का। आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को सेकंड पैरामीटर माना जाता है। कैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या क्या आप दिखा रहे हैं। एक तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो सामने आपके कैमरा लगा होगा, सब कुछ आपका रिकॉर्ड हो रहा होगा, आप कैसे मूव कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी आई कॉन्टैक्ट कैसे हैं, आप कैमरे में आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी आपको रिस्पॉन्स करना है वो आप नीचे देख के कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा ड्रेसिंग स्टाइल और फेशियल एक्सप्रेशन को। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमारे मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। तो हमारा जो इंटरव्यू है वो 3 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। जैसे कि हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज सीखते हैं, लिसनिंग करते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो सिर्फ हम लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग हम कुछ नहीं करते। तो पहला मॉड्यूल इसमें भी लिसनिंग होगा, आपको एक एक लाइन इंग्लिश की बोली जाएंगी, सेम लाइन आपको रिपीट करनी होगी। बट उसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, जैसे लाइन ख़त्म होती है 30 सेकेंड का आपको ब्रेक मिलता है। एक लाइन है, माई नेम इज़ जतिन, ठीक है, आपने ये सुन लिया, आपको हेडफोन में सुनाई देंगी ये बातें। उसके बाद आपको 30 सेकेंड का ब्रेक मिलेगा, उस समय आपको बोलना नहीं है, सिर्फ एनालाइज करना है कि क्या लाइन बोली गई थी। फिर 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको रिपीट करने का, आपको माइक में वो रिपीट करना है। फिर ये हो गया हमारा लिसनिंग का, फिर साथ साथ हमारी स्पीकिंग भी चेक हो रही है। उसके बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल जो आता है वो रीडिंग का आता है। रीडिंग में क्या होता है कि आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, लाइक दिस इज़ वेरी गुड बुक, तो वो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, आपके सामने जैसे आएगी 30 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, 30 सेकेंड के बाद जैसे ही आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको फिर बोलने का टाइम मिलेगा 1 मिनट, तो आप उसको बोल के दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे रिकॉर्ड होती जाएंगी। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे, 10th क्वेश्चन होते हैं 1 to 10, 7 हमारे पर्सनल लाइफ से होते हैं और 3 बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए आपको टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ये सब था हमारा ओवरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसे मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर बोल बोल के इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिए। स्टार्ट करोगे आप इंग्लिश थोड़ा, तो आपको मूवमेंट, लिप मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पे, आपकी लिप मूवमेंट कैसी है, क्योंकि आप कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो, आप बार बार इधर या उधर तो नहीं देख रहे हो। तो ये सब था मेरा ओवरव्यू। अब बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, उसके लिए हमारी टीम अभी वर्क कर रही है किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एनालाइजर चल रहा है पूरा, एक्सपेक्टेशन बनाई जा रही हैं।
तो उसके लिए मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा इसी के चैनल के थ्रू, आपको मैं क्वेश्चंस की डिटेल भी देना चाहूँगा इफ़ पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है 7 तारीख को बच्चों का इंटरव्यू स्टार्ट है, तो बच्चों को प्रिपरेशन भी करनी है, तो उनके लिए मेरी एक ही गाइडलाइंस है, एक ही मेरी है, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश लाउडली, आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होकर बोलना सीखिए, ताकि आपको थोड़ा सा हेजिटेशन कम होगी, आई कॉन्टैक्ट आप बना पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। अब अमित सर आप थोड़ा गाइड कीजिए। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे दोस्त जतिन ने आपको कितना क्लियरिटी इन डेप्थ दिया, ये बहुत ही तेज़ है पढ़ने में भी, तो आप प्लीज़ जो भी इन्होंने सुझाव दिया है आप मानिए इन्हें और फॉलो कीजिए और ज़रूर आपको इनका फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि जतिन सर ने बताया कि आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो इसी के साथ कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जब तक आपको ये वीडियो पहुँचेगी उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं हमें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी कंसीडर करेंगे और आपकी हमारी आने वाली अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके हर उन क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का हम आंसर दे पाएँ। तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप एक बार ये सुनकर इंटरव्यू देने जाते हैं उसके बाद आपको पता लगा कितना अच्छा रहा, क्योंकि ये लाइव एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, ये मैंने नहीं कि किसी और से नहीं पूछा, मैंने खुद इंटरव्यू दिया वही मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप एक बार देखिए जरूर का और कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हो क्वेरीज हो उसका हम आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो लाइक कमेंट के साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ हम अलविदा देते हैं इस वीडियो में, जतिन अमित और कैमरा रवि के साथ, धन्यवाद।